हेलो हेलो रेडी चेक। क्या कहना चाहेंगे आज अपनी टीम के बारे में? यार मेरी टीम फैमिली इंडियन है, तो फैमिली इंडियन मतलब सब कुछ है उसमें। कोई ये बोल रहा है तो इसको देखो, उधर देखो। अच्छा हाँ ठीक है, तो फैमिली इंडियन मेरी टीम है और मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे फैंस और सब लोग जो देख रहे हैं वो फैमिली इंडियन को सपोर्ट करें, क्योंकि फैमिली में सब कुछ मिलेगा आपको, एंटरटेनमेंट मिलेगा, ड्रामा भी मिलेगा, रोमांस भी मिलेगा और जो चाहिए आपको, और फैमिली के साथ बैठ के फिल्म भी देख सकते हैं। सो फैमिली इंडियन। देखो एक्शन के लिए एक्शन हीरो चाहिए ना अपने को, है ना अपना एक्शन हीरो, छोड़ दिया मैंने एक्शन हीरो के हाथ में, मैं फैमिली वाला आदमी हूँ। ये बहुत सही है ना, इनको पता नहीं कि फैमिली में भी एक्शन होता है। तो बेस्ट है, सपोर्टिव है ना यार। जरूर यार, देखिए एक्शन वॉरियर्स आई बीन यू नो, हम सारे जॉनराज बहुत कर चुके हैं एज एन एक्टर्स, बट एक्शन एक जॉनरा था जो मैंने यू नो पर्सनली ज़्यादा नहीं किया हुआ है। सो बिकॉज आई बीन ऑल्सो वर्किंग विद रोहित शेट्टी ऑफ लेट, तो मैं इतना समझता हूँ, उनसे सीखा हूँ कि एक्शन फिल्म्स यूजली यू नो हम लोग इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं होती इंडिया में, बट बहुत मेहनत जाती है टू मेक एन एक्शन फिल्म। सो दैट्स व्हाई आई एम सपोर्टिंग द एक्शन वॉरियर्स, क्योंकि एक्शन बेस्ड फिल्म हैं इंडिया में, रोम कॉम या फैमिली ड्रामा को ज़्यादा यू नो प्यार मिलता है या पसंद किया जाता है, सो वाई नॉट सपोर्ट द अंडरडॉग एक्शन वॉरियर्स। आई एम सपोर्टिंग द साउथ किंग्स, आई एम मैरिड टू अ साउथ इंडियन, मुझे साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है, एंड ऑफ कोर्स साउथ की फिल्म्स में सब कुछ होता है, एंटरटेनमेंट ड्रामा, एंड ऑल्सो वो फिल्में यहाँ रिलीज नहीं होती हैं, तो यू कैन एक्चुअली वॉच इट ऑन यू नो जी सिनेमा, सो आई थिंक इट्स परफेक्ट। मुझे नहीं, आई जस्ट फील कि इतनी सारे स्ट्रेसफुल ज़िंदगी के बाद जब हम कॉमेडी फिल्म्स देखते हैं तो हम अपना स्ट्रेस भूल सकते हैं, हम हंस सकते हैं, और सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है हंसाना, और मुझे पर्सनली मुझे कॉमेडी फिल्म्स बहुत पसंद हैं, तो आई एम सपोर्टिंग कॉमेडी फिल्म्स एंड आई पर्सनली इन्जॉय डूइंग एंड एक्टिंग इन कॉमेडी मच मोर। देखो मैं थैंक यू फॉर कमिंग टू मी लास्ट, बिकॉज यू नो द जॉनरा आई एम सपोर्टिंग इज द किंग ऑफ ऑल जॉनरस, है कि नहीं? वी ऑल नो व्हाट द खान्स ब्रिंग टू द टेबल, एंड सिनेमा इज ऑल ऑफ आवर फर्स्ट लव व्हिच इज व्हाई वी हियर, और मैंने एक खान के साथ बहुत साल पहले काम किया है, एंड ऑल द थ्री खान्स वी नो व्हाट दे डू टू TRPs, वी नो व्हाट दे डू टू द बॉक्स ऑफिस, so I'm very very happy and privileged to be supporting the Khan Riders, and this is a genre that is gonna like overtake all the rest. No, not possible. Oh, yes. Family Indian. May the best genre win. We'll just see. May the best genre win. She's right. Our team is going to just laugh and take away the trophy. Yes, yeah, but our team like कभी भी family के साथ बैठ के आराम से देख सकते हैं, तो कभी भी जीत सकते हैं। नहीं, but आप सुनो ना। Simple बात है ना, ये Khan Riders बोल रहे हैं। हाँ। अगर कोई भी Khan की film TRP मिली, हाँ, तो या तो वो फैमिली होगी या तो वो एक्शन होगी या रोमांस होगी। हम लोग यहाँ जीते जीते हम जीते जीते एक मिनट, रजनीकांत रजनीकांत एक फूंक मारेगा ना, सबकी रेटिंग गए हमारी ऊपर। ये बात भी है। सो मंदिरा, अगर खान की बात हो रही है तो आज सलमान सर को, अगर खान की बात हो रही है तो खान राइडर्स की ही बात होगी, हम किसी और विषय पर हम कमेंट नहीं करेंगे। वी आर हियर टू सेलिब्रेट सिनेमा एंड दैट्स व्हाट वी गोइंग टू टॉक अबाउट, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स। हम लोग सिनेमा प्रीमियर लीग के बारे में बात करेंगे। जी सिनेमा पे सिनेमा प्रीमियर लीग आ रहा है। उसी दौरान देखा जाए तो क्या कोई टीआरपी में, क्योंकि काफी टीआरपी घटती आईपीएल के दौरान सीरियस चले। देखो यार, देखो जो घटेगी, हाँ, जो लोग मूवीज देखते हैं जरूरी तो नहीं है कि मैच नहीं देखेंगे, या जो मैच देखते हैं जरूरी तो नहीं है मूवीज नहीं देखेंगे, अगर उनकी मनपसंद मूवी आई exactly. तो जरूर देखेंगे। बात यह है कि 7 अप्रैल से 27 मई तक हर रोज एक चैंपियन फिल्म देखने को आप सबको मिलेगा, तो प्लीज ट्यून इन, वॉच द सिनेमा प्रीमियर लीग। एक्चुअली दो फिल्में 6 PM एंड 9 PM, तो आई थिंक जैसे आपने कहा कि TRP गिरती है, आई थिंक TRP आप टीवी देखना थोड़ी छोड़ते हैं अगर आप क्रिकेट आ जाता है, या अगर आप फिल्म देखना नहीं छोड़ते हैं, सो आई थिंक ऑल योर फेवरेट फिल्म्स विल कम बैक और फिल्म्स दैट यू हैव नॉट वॉच्ड, देखिए जी सिनेमा पे। जी मैं यहाँ पर डिफरेंट चैनल पे आ रहा हूँ, मैं सिर्फ सिनेमा प्रीमियर लीग के बारे में बात करूंगी यहाँ पर, आज आप सिर्फ रजनीकांत के बारे में बात करेंगे।
इसकी सबसे ज्यादा टीआरपी होगी, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप होगी, जो हर हफ्ते बताया जाएगा कि इस हफ्ते ये टीम लीडिंग कर रही है या ये टीम लीड कर रही है या ये टीम पीछे है, जो भी है वैसा। तो क्रिकेट में कैसे होता है, पिच पे होता है सब कुछ, यहाँ स्क्रीन पे होगा। हिंदी फिल्में होंगी और जैसे इन्होंने कहा डब होंगी, जैसे साउथ होगी तो वो डब है हिंदी में, प्योर हिंदी जी सिनेमा पर। वो भी हिंदी है जी सिनेमा, जिस दिन जी सिनेमा पे आएगी मैं सपोर्ट करूंगा। सिनेमा का पार्ट है लेकिन यहाँ पे अभी अभी थोड़ा टाइम लगेगा इन्हें जी सिनेमा पर आने का, बाकी सौम्या बताएगी। आई लव इरफान खान एज एन एक्टर, मुझे उनकी फिल्में बहुत पसंद है और मैं जरूर देखूंगी। Of course, all the best wishes are with him, and I'm very positive and very sure that he's going to come out smiling and laughing, and we really wish all the best to him, and we are waiting to see him back on the big screen. Zee Premier League par wo film मतलब नॉट इन द नियर फ्यूचर दिखने वाला है ना, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट राइट नाउ। तो नेक्स्ट सीजन में हम फिर आएंगे, हाजिर हो जाएंगे और आपको उसके बारे में बताएंगे। व्हाट वी हियर फॉर, व्हाट वी हियर फॉर, या नेक्स्ट सीजन चल लाइक मैं चलो ये भी देखूंगा, ये हां ये साउथ किंग्स को सपोर्ट करूंगी मैंने। या नेक्स्ट ईयर वॉच आउट अनीता, आई माइट बी सपोर्टिंग योर टीम। या शी विल लव टू सपोर्ट खान राइडर। सही है, ये रजनीकांत खान अपना सब कर रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं हमारा तो सब कंबाइन है। हां कमांडो, सो थैंक यू।